ago. कई साल पहले. I had been with my team to Vengurla. अपने टीम के साथ भाई वेंगुरला गए थे. And there was a parrot over there. और वहाँ पर एक तोता था. Hey, everybody, wake up, come on. There was a parrot. एक तोता, तोता था वहाँ. You know, so when you go inside. तो जब आप अंदर जाते हैं. That parrot is saying, "Praise the Lord." तो वो तोता कहता था, "Praise the Lord." Okay, I'm serious. गंभीरता से कह रहा हूँ. I was like, "Wow." मैंने कहा, अरे बहुत बढ़िया. Praise the Lord. Praise the Lord बोलता है. Parrot बोलता है, Praise the Lord. तोता बोलता है, Praise the Lord. Wow. यहाँ पर आदमी लोग बोलते नहीं Praise the Lord. तोता बोलता है Praise the Lord. बोलता है, ये तो कुछ नहीं ब्रदर. आगे देखो क्या बोलता है. बोला, अरे वाह, तोता के जर्मन तोता है, क्या बोलता है. बोलता है, नहीं, इसको मैंने दो चीज सिखाया. बोलता है, Praise the Lord और दूसरा है, Jesus is Lord. Jesus is Lord. अरे वाह, I'm serious. गंभीरता से कह रहे. That tota is saying Jesus is Lord. और वो तोता जो है वो कहता था, यीशु ही प्रभु है. Of course, not clearly. तोते जैसा बात करेगा ना वो. आदमी आदमी जैसे बात करेगा. तोता तोते जैसे बात करेगा. But वो Jesus is Lord बोलता था. So one of our sisters. तो हमारी एक बहन. तुम्हारा पास्टर, सेवन हिल्स का पास्टर, ओके. हम लोग सब बैठा था खाने खाने के लिए. ब्रदर, क्वेश्चन है. यू नो माई टीम मेंबर्स, आई लाइक देम आस्किंग मी क्वेश्चंस. नाउ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, ओके. So when we sit, we don't talk about this and that. We talk about the word of God. परमेश्वर के वचन का बात करते हैं. So हम लोग ऐसा, you know, we are sitting in the veranda, nice, you know, in the moonlight skies, you know, we are talking about that. And said, brother, one question. तब उन्होंने पूछा, भाई एक सवाल है. You said if you speak with your mouth, आपने ऐसा बोला कि अगर तुम अपने मुंह से बोलोगे, you'll receive salvation. तो तुम्हें उद्धार मिलेगा. See, देखो. तोते ने बोला, Jesus is Lord. Will the tota be saved? अब उस तोते ने कहा, यीशु प्रभु है, तो क्या उस तोते को उद्धार मिल जाएगा? अरे ये सोचो, मैं सोच रहा, अरे यार लफड़ा है यार, because he spoke ना, क्योंकि उसने बोला ना. Then suddenly the Holy Spirit said, और फिर अचानक पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे, तोता बोला लेकिन तोता विश्वास नहीं किया. कितने लोग सुन रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं? बाजू वाले को बोल, साइड वाले को बोल, तू बोलता है लेकिन विश्वास नहीं करता है. दूसरे वाले को बोल, बाजू वाले को बोल, 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 बोल. एक को बोल, यू बिलीव बट यू डोंट स्पीक. टेल योर अदर नेबर, यू स्पीक बट यू डोंट बिलीव. हाउ मेनी लिसनिंग राइट नाउ? फॉर दैट थिंग टू वर्क, और चीजें काम होने के लिए, यू नीड टू बिलीव. आपको विश्वास करना है. एंड स्पीक, और आपको बोलना है. मेनी टाइम्स, बहुत बार, व्हेन वी स्पीक नेगेटिव वर्ड्स ओवर पीपल, जब हम लोगों पर नकारात्मक शब्द बोलते हैं, देयर इज मोर फेथ इन आवर डिलीवरी. तब हम में ज्यादा विश्वास भरा होता है. तेरा वाट लगना चाहिए, यू रियली बिलीव, उसका वाट लगना चाहिए. बट व्हेन यू आर ब्लेसिंग समबडी, मगर जब आप किसी को आशीष दे रहे होते हैं, यू रियली डोंट बिलीव फॉर दैट ब्लेसिंग टू कम. तब आप विश्वास ही नहीं करते कि वो आशीष सच में आ जाए उस पर. हाउ मेनी लिसनिंग राइट नाउ? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? वी हैव फेथ फॉर द नेगेटिव, वी हैव फेथ फॉर द वर्स, बट वी डोंट हैव फेथ फॉर द बेटर. नकारात्मक बातों के लिए, बदतर बातों के लिए हमें विश्वास होता है, मगर बेहतरीन चीजें होने के लिए हमें विश्वास नहीं होता. Today I speak a word over your life. आज आपकी जिंदगी पर वचन बोलते हैं. May the prosperity anointing touch your life in Jesus name. समृद्धि का अभिषेक आपकी जिंदगी को छू ले यीशु के नाम में. May your life, that anointing to be a multi-millionaire come upon you in Jesus name. और वो अभिषेक जिसके जरिए आप करोड़पति बने, वो अभिषेक आप पर आ जाए यीशु के नाम में. Some of you don't believe, but those who believe receive in Jesus name. हालेलुया. विश्वास नहीं करे, मगर जो विश्वास करे ग्रहण करे यीशु के नाम में. May you have houses before this year ends in Jesus name. Yes, aap khatam hone se pehle aapko khud ka ghar mil jaye yeshu ke naam mein. In the name of Jesus. Yeshu ke naam mein. May you be settled, established before this year ends in Jesus name. Yes, aap khatam hone se pehle aapka ghar base aap sthapit ho jaye yeshu ke naam mein. Open your mouth and say, I receive the blessing of God. Apne mukh ke boliye main parmeshwar ki aashish grahan karta hu. In the mighty name of Jesus. Yeshu ke samarthi naam mein. Somebody give Jesus a shout of praise. Koi to yeshu ko stuti ki bhej chadaye. Hallelujah. बोली हालेलुया. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अगर तेरे को बोलूं सामने जमाल, you know, कुछ गड़बड़ हो जाएगा बाहर, you know, तू सोच समझ के जाएगा पहला. You believe the negative. आप नकारात्मक बातों में विश्वास करते हैं. You believe the negative. नकारात्मक बातों में आपको विश्वास है. But you don't believe the blessing of God. मगर परमेश्वर की आशीष में विश्वास नहीं करते. I want to close with this thing. अभी खत्म करेंगे इसके साथ. Listen to me. सुनिए. There was one lady. एक महिला थी. I want to close. She used to come for the prayer service like you. इस तरह के आप ही के समान वो प्रार्थना सभा में आती. Tell your neighbor like you. अपने पड़ोस को बोलिए आप ही के जैसे. Not like me, like you, okay? Listen, she had one problem.
उसके बाद एक समस्या थी, only one problem. सिर्फ एक समस्या थी in her family, परिवार में nobody believed in Jesus. कोई भी यीशु में विश्वास नहीं करता था. Only she was the one who believed in Jesus. सिर्फ वो इकलौती वो थी जो यीशु में विश्वास करती थी. Hello? And so, they used to make fun of her. तो वे सब उसका मजाक उड़ाते थे. You're going seven hills Sunday, go to sleep, man. And she was very troubled. और बहुत मुसीबत पड़ जाती थी वो. So out of that troubled heart, और उस व्याकुल दिल में से, she used to say, वो कहती, your eyes will open when I die. जब मैं मरूंगी तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी. When I die, ना, जब मैं मर जाऊंगी ना, your eyes will open. तुम लोगों की आंखें खुल जाएंगी. The husband is to make fun of her. किधर जाते रहे दोपहर को दो बजे? और पति उसके मजाक उड़ाते हुए कहता, दोपहर को दो बजे तुम कहां जाते हो? She could not answer properly. और वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी. When I die, ना, वो कहती थी, जब मैं मरूंगी ना, that time your eyes will open. उसी समय तुम्हारी आंखें खुलेंगी. She prayed for years. She used to come to my service. और हमारे सभा में आया करती थी और सालों तक वो प्रार्थना करती रही. But none of her family members got saved. अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उद्धार नहीं पाया. One day, एक दिन, I got a call in the night. रात में एक कॉल आया. Dear brother, प्यारे भाई, Mama passed away. She had a heart attack at 1:30 in the night. माँ का देहांत हो गया रात के 1:30 बजे उसे. दिल का दौरा पड़ा. She was a senior lady. और एक वरिष्ठ महिला थी वो. And we went for a funeral and everybody was saying. हम अंतिम संस्कार की क्रिया में गए. सब कुछ हो गया. Everybody is talking. फिर उसके बाद सब लोग कह रहे हैं. The husband is खलास. वो एकदम. He's saying my wife was the best woman. They had made a big photograph, a big frame of us. Put some scripture over there. और वहाँ पे prayer करने के लिए yours truly. Okay, never mind. I was there, prayed. सब लोग रो रहे हैं. I prayed over there. Next meeting. अगली सभा में. Full family was in my meeting. What पूरा परिवार सभा में आया. You didn't understand, my brother. आप नहीं समझे. You didn't understand. आप नहीं समझे. I was like, wait a minute. मैं सोचने लगा, अरे जरा रुको. When she was alive. जब वो जिंदा थी. This lady used to plead with them. ये महिला जो उनके सामने भीख मांगती थी, वे एकदम याचना करती थी. She one day tried to. You know how women are smart. कैसे होती है ना महिला, वो बहुत होशियार होती है. Hello, I'm seriously. Women are smarter, okay? She said, why didn't you drop me to the meeting? He says, तू ओला पकड़ के जा, हट. Women are very smart. और बहुत होशियार होती है वो. औरत लोग weak दिखता है, but weak नहीं है, बहुत smart लोग है. बहुत smart लोग है. औरत ने पूरा world को जाने दो अभी. Hallelujah. इसके लिए जीसस आना पड़ा इधर. Madam versus Adam. Madam is stronger. A man who named all the animals couldn't handle one madam. I'm serious. Gambhira se keh rahe. Alvin is saying, no way, brother. No, it's a fact. Please listen. And I was thinking. Ab bhai soch rahe the. Said this lady, whole life. She told her family members to come, and not even a fly came. They would not enter the premises. But the moment she died, और ये महिला अपने पूरे जिंदगी भर अपने परिवार के लोगों को कहती थी, आओ 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 आओ, मगर कभी उस जगह में वो आए नहीं. मगर जिस पल वो मर के चली गई, उसके बाद अगली सभा में, next week they are in the service. अगली सभा में वो सभी लोग सभा में आए. Still they come for my service. और अभी भी आते हैं सभा में. I said, God, tell me why. मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु बताओ क्यों. And the Holy Spirit said, that lady, वो महिला, and the husband only told me next week, अगले हफ्ते में पति ने खुद ही कहा, which I wrote in my book, जिस भाई ने अपने पुस्तक में लिखा है, how true was my wife, no? One day you will die, then your eyes will open. कितनी सच्ची थी मेरी पत्नी. Now he was usually, you know, giving a usual eulogy to his wife, you know. And the truth is, she was a self curse that till she doesn't die, a family will not be saved. Many of you have spoken words like this. आपने से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के शब्द बोले हैं. Your eyes will open. जब मुझे कुछ होगा ना, तब तुझे मालूम पड़ेगा. जब मुझे कुछ होगा ना, इसलिए तुझे कुछ होगा, तभी उनकी आँख खुलेगी. Today, आज, the power of your words, आपके मुंह के शब्द, have brought curse or blessing upon your life. कि सामर्थ नहीं आप पर शाप या आशीष को लाया है. Today, आज, we're going to break that power in Jesus' name. उस सामर्थ को हम तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में. Jesus, यीशु. You see, Jesus was Lord and Master of Peter. आप देखते हैं यीशु स्वयं पतरस के स्वामी और प्रभु थे. One day Peter, एक दिन पतरस, he's under pressure. वो दबाव में आया. He's under pressure. वो दबाव में आ गया. Fear of man, इंसान का डर. Fear of society, समाज का डर.
Do you believe in Jesus? क्या तुम यीशु में विश्वास करते हो? Jesus कौन सा Jesus? कुटला यीशु है? यीशु कौन सा यीशु? कहाँ का यीशु? नहीं यीशु लोग वर्कत नहीं है। मैं नहीं जानता उसको। Fear of man. इंसान का डर आ गया उसमें। Fear of society. समाज का डर। लड़की नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा। तू मसीह है? नहीं, मैं मसीह हूँ। मसीह कुटले से एंगल से कुछ नहीं है। मसीह मसीह कुछ नहीं यार। लड़की दो, लड़का दो। सेकेंड, दूसरा, पतरस। पतरस, I saw you in Seven Hills. मैंने तुम्हें Seven Hills में देखा। अरे हॉस्पिटल में आया था यार मैं। तेरी तो फिर जैसे कि भटक गया रास्ता का, पाकी में जाता। अरे कुछ नहीं, वो प्रेयर मीटिंग में जीसस छोड़ गया क्या? जीसस थर्ड टाइम गेट। अरे पीटर क्या कर रहे इधर तू? कुछ नहीं बोले, तेरा फोटो शुभ संदेश पे आता। शुभ संदेश पे बोले, शूटिंग होता ना? नहीं नहीं, वो मेरा फोटो नहीं, वो मेरे कोई मेरे नेबर का फोटो है। वो ये जीसस, जीसस में, अच्छा जीसस, ये सब बकवास मैंने सुना। थ्री टाइम्स पीटर, तीन बार पतरस, यू डिनाइड मी, तूने मुझे इनकार किया, ठुकराया। इन द ऑफिस, ऑफिस में, इन द स्टेशन, स्टेशन पे, अमंग योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के बीच में। टेल योर नेबर यू कैन ऐड द प्लेसेस, अपने पड़ोसी को बोली आप जगह को शामिल कर सकते हैं इसमें। You did not stand up for me, Peter. मेरे लिए तो खड़ा नहीं रहा पतरस। You denied me. तूने मुझे नकार दिया। One day, now Jesus resurrection comes. फिर उसके बाद यीशु का पुनरुत्थान आता है। And then he says. फिर वो पूछता है। The angel speaks to the disciples and says, "Go tell Peter and the disciples." Everyone say, Peter and the disciples. फिर उसके बाद स्वर्गदूत आकर कहता है कि जाकर पतरस और शिष्यों से बोलना। ऐसा नहीं बोला, Go tell the disciples. Go tell Peter. And the disciples, because by virtue of his confession, Peter had lost his right to be a true disciple of Jesus. Somebody say, by my confession, I know whether I'm a true disciple or not. अपने शब्दों के अंगीकार के जरिए मैं जान सकता हूं कि मैं सच्चा शिष्य हूं या नहीं। A true disciple will not deny the master. एक सच्चा चेला जो होता है वो कभी अपने स्वामी को नकारेगा नहीं। Somebody say, amen. कोई कहेगा आमेन। Then Jesus, he sits before Peter. फिर उसके बाद पतरस के सामने यीशु और गलील की तट पे। I was there. How many of you were there with me? कितने लोग आए थे वहाँ पे? In Galilee, I told you where it happened. कहाँ? कितने लोग आए थे इज़राइल में मेरे साथ? कितने लोग आए थे? बताया ना तुमको किधर पतरस आ? हाँ? कौन से रॉक पे बैठा था? दिखाया ना यीशु मसीह? And there he said. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, Peter, पतरस, do you love me? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? Question का क्या होता है? Answer. Peter said, yes, Lord, I love you. हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पीटर, पतरस, डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस अभी सोचता है यार, पहली बार सुना नहीं कि इसने, लेकिन यीशु मसीह बकवास का सवाल नहीं पूछता है। से लॉर्ड, यू नो दैट आई लव यू बॉस? प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं। पीटर, पतरस, डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? पीटर, पीटर इज शेकन नाउ। अब पतरस पूरी तरह हिल चुका था। लॉर्ड, you know everything, Lord. प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। I know that you know that I love you. आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। Peter, पतरस, by three things, by your words, तुम्हारे शब्दों के जरिए, you got yourself into bondage. तुमने अपने आप को बंधन में लाया था। By your words, और तुम्हारे शब्दों के जरिए ही, I'm going to set you free. मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूँ। Somebody lift your hand, receive your deliverance right now. कोई अपने हाथ लगा अपने वश। Say, I receive my deliverance today in Jesus' name. अपने छुटकारे को ग्रहण कीजिए। बोलिए मैं अपना छुटकारा ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Today this message is for you for the entire 2018. You will never come into bondage in Jesus' name. Lift your hands. Say, I receive. Hallelujah. ये संदेश पूरे 2018 के लिए, आप कभी बंधनों में नहीं आएंगे। अपने हाथ लगाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ। Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए hallelujah. This is a prophetic word for you. ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। If you are single. अगर आप अकेले हैं, शादी नहीं हुई है, not married, आपकी शादी नहीं हुई है, you must say, आपको कहना चाहिए, 2018 is my year of marriage and being settled in Jesus name. Somebody say amen. यीशु के नाम में कोई तो बोलिए। बट मेरी आंटी बोले, तेरी आंटी कुछ भी बोले, प्रभु का वचन बोल रहा है वो, बोल। तेरी आंटी कुछ भी बोल सकती है। All the businessmen raise your hand up. सभी व्यवसाय के लोग अपने हाथ उठाएंगे। To businesswoman raise your hand up. Say, 2018 is the year of my prosperity. Hallelujah. 2018 मेरी समृद्धि का साल है। Hallelujah. बोल 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 बोल। बोलिए बोलिए। No, you should not talk about prosperity. Okay, then speak about poverty. Then you, I'll not speak. Correct, Malan? Correct?
Inside your heart, you want, don't listen to all these mad fellows about this thing and all. The Bible says the gospel is the good news. Bible aisa kehti hai ki susamachar hi jo hai ye khushkhabri hai. Somebody said good news. Koi kahega khushkhabri. Jesus died, Jesus saves, Jesus heals, Jesus delivers, Jesus prospers. Praise Yeshu, the Lord. Mara Yeshu ji utha, Yeshu changa karta, chutkara deta hai. How many of you are trusting God for the salvation of your whole family? Lift your hands and say. Aap mein se kitne log apne pure parivar ke udhar ke liye vishwas karte hain? 2018. Apne hath laga bole 2018 ka saal. Every family member of mine will turn to Jesus. Mere parivar ka har ek sadasya Yeshu ki or mud jayega. Come on, lift your hand and speak it right now. Chale apne hath laga boliye is waqt. In the name of Jesus. Yeshu ke naam mein. In the name of Jesus. Yeshu ke naam mein. Hallelujah. Boli hallelujah. Even as you're speaking, angels are being released in the realms of the spirit right now. Jaise aap bol rahe hain, atma ke sar mein swargdoot is samay bheje ja rahe hain. That is the confession of your heart. Ye hai aapke dil ka angikhar. What you believe, you're speaking with your mouth. Jo aap vishwas karte hain, aap apne muh se bolte hain. Say in the year 2018. Boli 2018 ke saal mein. I am going from faith to faith. मैं विश्वास से विश्वास में जा रहा हूं. From glory to glory. महिमा से महिमा में जा रहा हूं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody give Jesus a shout and say hallelujah. कोई यीशु को जोर से की भेष चढ़ा बोले हालेलुया. Now are you understanding, church? अब आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? The power of your words. आपके शब्दों की सामर्थ्य. The power of your words. आपके शब्दों की सामर्थ्य. It is more greater than prayer. यह प्रार्थना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, महान है. Prayer is waiting for the answer, but a confession is already speaking the answer. प्रार्थना करना यह तो उत्तर पाने के लिए ठहरे होना होता है, मगर अंगीकार करना, ऐलान करना, यह तो पहले से उत्तर को बोला जाना होता है. Hey, prayer is waiting for the answer. और प्रार्थना करना यह तो उत्तर के इंतजार में रुका हुआ है. Confession, मगर अंगीकार करना, is speaking the answer. यह उत्तर को बोलना है, यह हो रहा है. Lift your hands and say, I am successful in the name of Jesus. अपने हाथ लगा बोलिए, मैं कामयाब हूँ यीशु के नाम में. I am prospering in all things. सब चीजों में मैं समृद्ध हो रहा हूँ. In Jesus name. यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. Open your mouth and say, I am the righteousness of God. अपना मुख खोल के बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. In Christ Jesus. यीशु में. Hallelujah. Hallelujah. Look into the mirror. आईने में देखना है. Hey, one day one great man of God, he gave this. I want to share this. Can I share this? Hey, listen to me. I'm serious. One man was an alcoholic. एक व्यक्ति जो शराबी था. Alcoholic. एकदम शराब पीता. Drinking, and he heard this message on the television. और फिर उसने संदेश को टेलीविजन पर सुना. And he says, how can I speak? I'm drinking alcohol. How can I speak? I'm the righteousness of God. और मैं शराब का सेवन कर रहा हूँ, कैसे मैं बोल सकता हूँ मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ? But something said. किसी चीज़ ने कहा. Keep speaking. बोलते रहो. Tell your neighbor, please keep speaking. अपने पड़ोसी को बोलिए, मेहरबानी करके बोलते रहो. So he would drink. तो वो पीता. No, I'm the righteousness of God. नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. After 2 days, दो दिन के बाद, again he would feel the urge of drinking. फिर से उसे जैसा शराब का सेवन करने की जैसे महसूस हुआ. He said, no, what to do? फिर से कहा, नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता. He says, I'm the righteousness of God. वो कहने लगा, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. Keep on saying, I'm righteous. लगा था बोलते रहो. He would give up for a week. वो एक हफ्ते के लिए छोड़ता. फिर से उसे चार्ज जब दी. I'm the righteousness of God. फिर वो कहता, परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं. But he saw that. पर उसने देखा. As he kept on saying. जैसे वो लगातार बोलता रहा. The urge for drinking became weaker and weaker. और शराब का सेवन करने की चाह जो है. And today he's totally delivered. Hallelujah. कमजोर पे कमजोर घटती चली गई और वो आज शराब से मुक्त हो चुका है. I want to encourage you, my friend. मैं दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. It does not mean that you will not fall. You may fall, but keep speaking. You will have the victory. ऐसा नहीं कि आप नहीं गिरेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना. आपको विजय मिल जाएगी. You can do it, my brother. आप कर सकते हैं मेरे भाई. You can do it, my sister. मेरी बहन, आप कर सकते हैं. Keep speaking. बोलते रहिए. Keep speaking. बोलते रहिए. Keep speaking. बोलते रहिए. The clouds will be filled with water. और बादल जो पानी से भर जाएंगे. And the clouds will rain one day on your life. Hallelujah. और एक दिन बादल जो है आपके जिंदगी में बारिश करेंगे. I want you to lift your hand. अपने हाथ उठाइए. And say, I'm a blessed man in Jesus. बोलिए, मैं यीशु में आशीषित व्यक्ति हूँ. My family is a blessed family. मेरा परिवार आशीषित परिवार है. Say, my family is growing in the year 2018. 2018 में मेरा परिवार बढ़ रहा है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I want you to give Jesus a clap offering like not ever before. यीशु को जोर ताली के भेंट चढ़ाएं जिससे पहले नहीं किया. My God. Hallelujah. Hallelujah. Ora bashaka badala brasaki re behere behede. Speaking tongues, speaking tongues, speaking tongues. Ane basha, ane basha, ane basha bolie. Speaking tongues. Ane basha bolie. Speaking tongues. Ane basha bolie. Lastly, can I speak something?
आखिर में लास्टली कैन आई स्पीक समथिंग डोंट स्पीक व्हाट यू सी स्पीक व्हाट यू बिलीव और आखिरी चीज मैं बोलना चाह रहा हूं जो आपको दिखाई देता वो मत बोलिए जो आप देखना चाह रहे वो बोलिए When you say my children are going from glory to glory, अरे अंडा मिला उसको मैथ्स में क्या glory glory कुछ नहीं ये फेल हो गया नहीं keep speaking बोलते रहिए tell your neighbor neighbor अपने पड़ोसी को बोलिए पड़ोसी मैं अभी अपने नैसर्गिक दृष्टि से नहीं चलूंगा लेकिन आत्मिक दृष्टि से चलूंगा मैं अपने नैसर्गिक स्वाभाविक दृष्टि से नहीं चलूंगा आत्मिक दृष्टि से चलूंगा मेरे घर वाले खटे पे लेटे हुए बीमार पड़े हुए यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं क्या अभी तक खाट पे है क्या है खाट पे प्रभु नहीं मैं जो देखता हूं उन्हें बोलूंगा मैं जो विश्वास करता हूं मैं बोलूंगा I want to encourage you, my sisters. I want to encourage you, my brothers. By the wounds of Jesus, Yeshu ke ghaon ke dwara, my family members are healed. I will speak it. I will speak it. Come on, somebody speak it. Chale koi to boliye. Take your passport and say, my passport will be stamped at all the airports in the world. Come on. Passport lekar aapko bol raha hai. My passport ka duniya ke open your mouth. Open your mouth. Say it right now. आपको अपने मुख होकर बोलते रहना है इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में lift your hands and say doors of the nations are opening for me in Jesus name अपने मुख होकर बोलिए देशों के दरवाजे मेरे लिए खुल रहे हैं यीशु के नाम में who's speaking who's speaking who's speaking who's speaking कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है when you speak like that जब आप ऐसा बोलते हैं angels will take your words स्वर्गदूत आपके शब्दों को लेंगे and start Today onwards, आज के दिन से, your mouth is not only given for you to eat, your mouth is not only given for you to gossip, your mouth is given for you to chat your future. Hallelujah. आपका मुंह सिर्फ आपको खाने के लिए नहीं दिया गया है, गाला खुशी करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए दिया गया है. Your father was a poor man. Don't worry. But you are going to go beyond your ancestors. Hallelujah. Hey! Somebody lift your hand and say, I'm going beyond my ancestors. कोई अपने हाथों का बोले मैं अपने पूर्वजों से भी आगे जाऊंगा Who cares about the market? In the name of Jesus, I create the market. Hallelujah. Open your mouth. Open your mouth and speak, 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 speak right now. अपने मुख के बोलिए 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 ऐसा What are you trusting God for? किस बात के लिए परमेश्वर भरोसा कर रहे Speak it out. बोलिए My son will have a very good job in Jesus' name. मेरे बेटे को बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी यीशु के नाम में. Jehovah Jireh is my provider. Hallelujah. चीजों का इंतजाम करता है स्पीक व्हाट यू वांट राइट नाउ जो आप चाहते हो बोलिए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में स्पीक द वर्ड वचन को बोलिए स्पीक द वर्ड वचन को बोलिए हालेलुया हालेलुया इफ यू डोंट फील लाइक इट स्पीक द वर्ड अगर आपको महसूस नहीं होता तो भी बोलिए वचन को दिस इज द वे यू ग्रो इन द स्पिरिट ये तरीका है आत्मा में बढ़ने का दिस इज द वे यू ग्रो इन द स्पिरिट ये तरीका है आप आत्मा में बढ़ते हैं हाउ मेनी ऑफ यू ग्लैड यू केम टुडे कितने लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज आप यहां आए आमेन आमेन Tell your neighbor, neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए पड़ोसी जो मैं देखता हूं मैं नहीं बोलूंगा हालेलुया क्योंकि शैतान मुझे मेरा विश्वास डगमगाने की कोशिश करता है थोड़ा क्या अरे क्या हुआ कुछ नहीं हुआ उसके आगे कुछ तो और है See, Satan wants to show you how bad God is. देखिए शैतान आपको यह दिखाना चाहता है आपको यह यकीन दिलाना चाहता है कि परमेश्वर कितना बुरा है I'm telling you, church, मैं आपसे कहता हूं you notice. Right from the garden of Eden. Did God really say that? God said that. Haan yaar, God said that. Doubt. But you have to believe the word. मगर आपको वचन में विश्वास करना है. And speak it. और आपको बोलना है. I'm sharing with you what God has been teaching me. भाई आपके साथ वो बांट रहा है जो परमेश्वर को सिखा रहा है. Church. कलीसिया. Don't run here and there. या वहाँ मत भागो. You have learned the principles. आपने सिद्धांतों को सीखा है. Now it's time to put it into practice. अब ये समय आ चुका है कि उसे आप काम में लगाएं. 7 days. Tell your neighbor 7 days. 7 दिन. अपने पड़ोसी को बोलो 7 दिन. I'm going to put it into practice. Hallelujah. मैं इसे कार्य पर लगाऊंगा. Hallelujah. I'm going to prove my God is good. Hallelujah. मैं ये साबित करके दिखाऊंगा मेरा परमेश्वर अच्छा है. Tell your neighbor neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी. I've heard many sermons. Hallelujah. मैंने बहुत सारे संदेशों को सुना है. But now you watch out. Next week something. Big is I'm going to testify somebody agle hafte main kuch bade ek cheez ki gawahi dunga somebody shout a hallelujah kuch laaye hallelujah that's the word power of your words ye hai aapke shabdon ki samarth She comes from Andheri. Sonal Raut from Andheri, yes. Ek naam Sonal Raut hai, aayi Andheri se. She says
that she's been attending the family blessing meeting regularly. ये बताती है पारिवारिक आशीष के सभा में नियमित तौर पर ये भाग लेती हैं. And whenever Brother Michael leads the people to pray over blessings and job like increment promotions. और जब बताती है कि जब कभी भाई माइकल लोगों की अगुवाई करते हैं नौकरी में तरक्की आने के लिए बढ़ोतरी आने के लिए. She used to believe the word and receive it. और ये वचन में विश्वास करके ग्रहण करती. And today she is here to testify. और आज यहाँ पर ये आई है गवाही देने के लिए. The Lord has blessed her with a very good job. और प्रभु ने इन्हें बड़ी अच्छी नौकरी से आशीषित किया है. With a high. Wow. Give Jesus a shout and say hallelujah. यीशु को जोरदार स्तुति भेज रहा है बोले हालेलुया. With a 35% hike than the previous one. Wow. पहले से ज़्यादा 35% hike भी इनको मिला है बढ़ोतरी मिली इनको. Show your hands. I'll give you one confession. Pastor Ravi will speak, okay? एक अंगीकार आपको देते हैं. आपको ये बोलना चाहिए. I don't know whether these people will say, okay? इन लोगों के बारे में पता नहीं कि बोलेंगे या नहीं. Touch your hands. You will say this. Say from now on. बोलिए अब से. The work of my hands. मेरे हाथ के काम. Will prosper. समृद्ध बनेंगे. Will bring glory and honor to Jesus. यीशु को महिमा और सम्मान लाएंगे. From now on. अब से. My work of my hands. मेरे हाथ के काम. Will be fruitful. फलवंत होंगे. In Jesus name. यीशु के नाम. Please come. This sister's name is Mayun Edwards. She comes from Warsaw. ये बहन आई है वर्सोवा से. She says that four days ago her son who's 6 years old started having fits. और बताती है चार दिन पहले ऐसे हुआ इनका इनके बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया. Because of an infection. संक्रमण की वजह से. And he used to vomit. और उल्टी होने लगी उनको. This sister started confessing the prayer from the diamond prayer book. और diamond नामक प्रार्थना पुस्तिका में से ये प्रार्थना करने लगी. She is here to testify that the fits has stopped and her son is healed. और ये बताती है कि मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो गया है और उनके बेटे को चंगाई मिल गई है. Yes. On five occasions he gets a chest infection. Okay. Which leads to continuous back-to-back seizures with an interval of just 2 minutes between each seizures. Oh my God. And followed by vomiting, and it's a really bad scene to watch. I know. Him suffer like that. So all the 5 occasions we had to admit him to the hospital despite giving antibiotics and medication. It never worked. Oh. But this time, and we attended your chamber seminar, right, yeah. The service, yeah. Where one man confessed saying the prayer from the diamond book and his son was healed of fever. Yeah. And I believe very strongly in the word of God. Amen. I praise confess, God. Give her a big God bless you. Come I on. Confess it daily. That's powerful. Amen. Yes. But I also remembered what that brother did. I was confessing, but there wasn't just enough power. So I involved my husband. I said, get the diamond book out. Let us confess. Continuously we'll confess without stopping. Isn't this amazing? Hallelujah. I just spoke about confessing and here our precious sister is speaking over here. And wow. Before confessing, I already called the doctors. I already arranged to go to the hospital because it was an emergency. Jesus. The seizures were not stopping. The moment we started confessing, within half an hour, he just got rest. Oh yes. Half an hour. Hallelujah. It was so amazing.